कुछ ख्याल हैं जो लफ्ज़ों में उतारे हैं, पर इसमें कोई गलती हो जाए या किसी को कुछ बुरा लगे तो भाई माफ़ कर देना। तो शेर है कि न जाने क्यों हमारा भारत बदनाम हो गया, न जाने क्यों हमारा भारत बदनाम हो गया, कोई हिंदू तो कोई मुसलमान हो गया। अरे जब एक ही मिट्टी में पैदा हुए हैं हम, अरे जब एक ही मिट्टी में पैदा हुए हैं हम, फिर क्यों मजहब के नाम पर कत्ले आम हो गया, फिर क्यों मजहब के नाम पर कत्ले आम हो गया। हाँ शुक्रिया शुक्रिया भाई शुक्रिया। अच्छा भाई आजकल ना क्या हो गया कि सोशल मीडिया और बहुत सी चीज़ों ने जो है हमारा कुछ लोगों के दिमाग को इतना अपने कब्जे में ले लिया है कि ऐसा लगता है कि हर घर में जो है ना एक मुजरिम बैठा है, एक दूसरे को मारने वाला बैठा है। तो वो जहन में रखते हुए कुछ लिखा था, तो गौर फरमाए कि मजहब के नाम पर हम बारूद बोने लगे हैं, मजहब के नाम पर हम बारूद बोने लगे हैं, इंसानियत भूल कत्ले आम होने लगे हैं, है वक्त सीने से लगा लो एक दूजे को हिंदू मुस्लिम, है वक्त सीने से लगा लो एक दूजे को हिंदू मुस्लिम, वरना हर घर में आज कातिल पैदा होने लगे हैं, वरना हर घर में आज कातिल पैदा होने लगे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। एक शेर है कि नफरत के इस दौर में सबको गले लगा रहे हैं, विवेक भाई नफरत के इस दौर में सबको गले लगा रहे हैं, जिनका दिल है पाक वही इंसानियत दिखा रहे हैं, मत तोड़ो देश को धर्म के नाम पर, मत तोड़ो देश को धर्म के नाम पर, रमजान में राम और दिवाली में अली बस यही बता रहे हैं, रमजान में राम दिवाली में अली बस। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ नफरत के इस दौर में सबको गले लगा रहे हैं, नफरत के इस दौर में सबको गले लगा रहे हैं, जिनका दिल है पाक वही इंसानियत दिखा रहे हैं, मत तोड़ो देश को धर्म के नाम पर, मत तोड़ो देश को धर्म के नाम पर, रमजान में राम और दिवाली में अली आज यही बता रहे हैं, यही बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और एक है कि अपना खून देकर भी तेरी हिफाजत करूंगा मैं, अपना खून देकर भी तेरी हिफाजत करूंगा मैं, मरते दम तक तेरे लिए इबादत करूंगा मैं, हटा दूंगा इस मुल्क से मजहबी दीवारों को, हटा दूंगा इस मुल्क से मजहबी दीवारों को, कुछ ऐसे रिश्तों की हिमायत करूंगा मैं, कुछ ऐसे रिश्तों की हिमायत करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और एक है कि वैसे मैंने मतलब नॉर्मल शायरी बना के इसको पोस्ट किया था, पर यहाँ पे बोलूँ तो अच्छा लगेगा, तो गौर फरमाए कि यूं हिंदू मुसलमान के नाम पर कत्ले आम ना करो। एक रिक्वेस्ट है ये कि यूं हिंदू मुसलमान के नाम पर कत्ले आम ना करो, सारी दुनिया के सामने मेरे भारत को बदनाम ना करो, है सभी धर्म शान मुल्क हिंदुस्तान की, है सभी धर्म शान मुल्क हिंदुस्तान की, अगर करना ही है कुछ तो देश के खातिर अपनी जान को कुर्बान करो, अगर करना ही है कुछ। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और एक माँ के लिए है, मतलब इसमें गर्लफ्रेंड भी इंक्लूड है और माँ भी, तो उस पर है कि हिसाब मांगती है बवाल करती है, है कि हिसाब मांगती है बवाल करती है, बेवजह मेरी मोहब्बत पर सवाल करती है, कह दो उसे लौटा दे मेरी मोहब्बत मुझे, मेरी माँ उससे ज्यादा मेरा ख्याल करती है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा कि मेरी मुस्कुराहट को देख मुस्कुराती है, मेरी मुस्कुराहट को देख मुस्कुराती है, मेरे आंसू देख रो जाती है, वो माँ ही है दोस्तों जो कदम कदम पर मेरा हौसला बढ़ाती है, जो कदम कदम पर मेरा हौसला बढ़ाती है। अब मैं बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।